One of the top 10 private B schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. किसानों के केस वापस नहीं लिए जाएंगे, जबकि समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट नहीं आई थी तब कहा गया था कि हमारी सरकार आती तो किसानों के केस वापस लिए जाएंगे। अब इस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी का कोई एक पहला वादा नहीं है। उन्होंने वादा किया था कि हम इन किसानों के, जिनकी ज़मीनें गई, जिनका दर्द रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार में हज़ारों रुपये मीटर के रिश्वत के रूप में ले गए लोग, जितने रुपए मीटर की कीमत नहीं थी, सबको पता था, रेट भी पता था कि कितने रुपए मीटर में अलॉटमेंट हो रही है और कितने रुपए मीटर भ्रष्टाचार के रूप में शासन प्रशासन को जा रहा है। और किसान अपनी 200-400 रुपए मीटर के मुआवजे के लिए जब लड़ाई लड़ी उसने, तो उन पर जो अत्याचार हुए, आज उस मुकदमों को वापस लेने का वादा प्रदेश की सरकार ने किया था जब ये आई थी, लेकिन ये सरकार झूठी सरकार है। इन्होंने वादा किया था कि जो भ्रष्टाचारी कर रहे थे हम उनको जेल भेजेंगे। जेल भेजने की बजाय उन्होंने इनसे गलबहियाँ की, उनको अपना पार्टनर बनाया और उस भ्रष्टाचार में शामिल किया। आज 300 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये मीटर एक किसान को मांगने के लिए, तो उनके साथ जो अत्याचार हुए, आज उस मुकदमे भी वापस नहीं है। लोग 20-20 महीने, 24 महीने जेलों में गुजार चुके हैं। वो लोग, वो किसान लोग हैं, कोई आतंकवादी नहीं है, कोई चोर लुटेरे नहीं। चोर लुटेरे और बदमाशों से तो ये प्रदेश सरकार कहीं काबू नहीं कर पा रही है, लेकिन किसानों के साथ उस अत्याचार को करने में सहभागी है। मैं जवाब पूछना चाहता हूँ, जब इन्होंने कहा था कि मायावती सरकार के भ्रष्ट अधिकारी यादव सिंह को जेल भेजेंगे, उनको पार्टनर बनाया, दो नहीं तीन यहाँ पे प्राधिकरण उनका इंजीनियर बनाया, इंजीनियर इन चीफ बनाया, कहाँ गए इनके वादे? प्रोफेसर साहब ने एक बात और कही थी कि बीजेपी 2017 चुनाव आने से पहले यूपी में दंगा कराने का पूरा चांस रख रही है, पूरा साजिश रच रही है। देखिए, प्रोफेसर साहब का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विकास और सुशासन के मुद्दे पर प्रदेश को और देश को आगे ले जाना चाहती है। आगे आप आकलन कर लीजिए, जहाँ जहाँ प्रदेश के अंदर जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई, कहीं भी किस तरह के दंगे नहीं हुए, ये भी मैं बताना चाहता हूँ। सर, लास्ट क्वेश्चन, जेवा एयरपोर्ट। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस की खाट पे चर्चा से यूपी में वापसी का क्या हुआ है चुनाव में? देखिए, कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज, और डूबता हुआ जहाज अंतिम प्रयास करता है टिमटिमाते हुए दिए की तरह से। कभी वो दलित के यहाँ बैठकर भोजन करते हैं, कभी वो घाट पर करते हैं, कभी वो रेलवे के एटीएम से 10 रुपये टिकट निकाल कर करते हैं। वो अपने तय उसके निभा रहे हैं। 78 वर्षीय एक युवा चेहरा भी वो लेकर आए हैं प्रदेश के अंदर एक लीडरशिप के नाते। ये सारे अपने नुस्खे उन्हें अपना ले लीजिए। 91 से लेकर और अब तक कांग्रेस 20 और 28 सीटों के बीच में रही है। इस बार उनकी परिणति उससे भी कम होने वाली है। यूपी में बीजेपी फुल मेजोरिटी से आएगी। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का विश्वास माननीय मोदी जी की सरकार में, हमारे संगठन अमित शाह जी की सानिध्य में 73 सीटें 80 सीटों में से लेकर दिया है। प्रदेश की जनता पहचान चुकी है, प्रदेश का विकास भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से मोदी जी के नेतृत्व में संभव है, और मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे विश्वास के साथ प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत वाली सरकार प्रदेश में बनेगी, और देश और प्रदेश की प्रगति में उत्तर प्रदेश भी आगे बढ़ेगा, देश भी आगे बढ़ेगा। सर, क्या बीजेपी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी, सब लोग फैसले हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड मिलकर करता है, उचित समय पर उचित फैसला किया जाए।